फिजिक्स एन सीआर इज वेस्ट ऑफ टाइम बट वी ऑल हैव रिग्रेट की हमने फिजिक्स एसआर टी नहीं पढ़िए लेकिन पढ़ने चाहिए तो बहुत टाइम भी चला जाएगा टुडे आई एम गोइंग टू लिस्ट आउट ऑल दो चैप्टर जो सिर्फ आपको एक बार रीडिंग करनी चाहिए फिजिक्स एन सीआरटी की और वो सारे चैप्टर आपको इसके अलावा नहीं करने जो लिटरली वेट ऑफ टाइम रहेंगे एंड बाकी सारे चैप्टर के आपरी और पॉइंट पढ़ लेंगे वो मोर देन इनफ है बाकी आपके कोचिंग के नोट्स तो हैं ही सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स के तीनों चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ एटम न्यूक्आरिया ये तीनों चैप्टर आपको अच्छे से कर लेने सेकंड सेमीकंडक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो पूरा थ्योरेटिकल बेस ही भरा हुआ है ओनली एप्लीकेशन ऑफ रे एंड वेव ऑप्टिक्स कोई भी आपने फिनामुना पढ़े उसका जो एप्लीकेशन है सिर्फ वो आपको ऑप्टिक यूनिट से पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही अंडर रेटेड थियरटिकल चैप्ट है ई एम वेव जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और थ्री चैप्टर्स ऑफ द थर्मल फिजिक्स जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसके अलावा आज तक एन ने कभी भी थियरटिकल क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीआर से नहीं पूछा गया है